नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आप सबको सामने लेके आना चाहता कि एक ऑफिसर किस तरह से झूठ बोलते बोलते नेता बन गया, पब्लिक को बेवकूफ बनाते बनाते मुख्यमंत्री बन गया, और उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यानी बिना सर्टिफिकेट में अगर किसी व्यक्ति को पीएचडी मिला है, हाँ जी, वो है अपने आप को बड़ा पॉपुलर मुख्यमंत्री मानने वाला श्री अरविंद केजरीवाल। पब्लिक को पता है, देश भी देख रहा है कि सही में इतना बढ़िया ड्रामा अगर कोई कर सकता है राजनेता, तो केजरीवाल उसमें नंबर वन है। मतलब सच का बोलवाला और झूठे का मोहकाला। गुजरात की राजनीति में ये कहावत आज बिल्कुल सची साबित होते दिख रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं दीपक रथ। हर दिन की तरह आज भी इसी नेता के बारे में मैं बोलूंगा जो आए दिन झूठ बोलते हैं। केजरीवाल साहब को, यानी एक कहावत आपने सुना है ना कि चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल गई, वो खुद को पंसारी समझने लगता है। दिल्ली और पंजाब में थोड़ी सफलता क्या मिली आम आदमी पार्टी के जो महाराज है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, अपना लाव लश्कर लेकर पहुंच गए गुजरात में, और आदत के अनुसार उन्होंने शुरू कर दिए बड़े बड़े दावे। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुजरात में अगर आज चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी अपना सरकार बना लेगी, भले ही उसे बहुमत से थोड़ी ज्यादा सीटें कम मिले, ऐसे उनकी दावा, लेकिन मिले वोट उनको जरूर मिले। केजरीवाल का इतना इशारा काफी था। बस आप देखिए दिल्ली में जो एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं ना इंटेलेक्चुअल लोग, तो राजनीतिक पंडित बोलते हैं जिनको हम लोग, उन्होंने धुआंधार बैटिंग करना शुरू कर दिया। धुआंधार चाय के प्याले में मानो की तूफान मच गया। और क्या कहा गया कि मोदी की विश्वसनीयता दांव पे है, भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा है गुजरात, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चर्चा करने लग गए, और पता नहीं क्या क्या अनर्गल प्रलाप शुरू हो गया। शोर मचाने वाले ये लोग वही है जो कथित पत्रकार जिनकी रोजी रोटी जो है ना केजरीवाल चलाते हैं। जी ये कट्टु सच्चाई है कि दिल्ली की जनता के घड़े पसीने की कमाई के करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल ने सरकार फालतू विज्ञापन देकर इनको पालता है, जिसके नतीजे में मीडिया जगत के बड़े बड़े पत्रकार आम आदमी की ताल पर नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये लोग केजरीवाल के एक झूठ इतने जोर जोर से और इतने ज्यादा मुखों से बोलते हैं कि चारों तरफ झूठ का भोंपू चलाने लगता है, लेकिन सच्चाई की एक आवाज झूठ के इन सुअर को शांत कर देती है। अब जानिए वो कैसे। अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंचते हैं तो उनके चुनावी मैनेजर ने एक ऑटो ड्राइवर को घर उनके खाने का कार्यक्रम रखा था, आपने देखा है। उनका नाम था विक्रम दंतानी। दंतानी के घर पर केजरीवाल के भोजन का ड्रामा इसलिए रचाया गया था जिससे यह स्थापित हो जाए कि
कि केजरीवाल ने गुजरात में जमीन स्तर पर अपना पकड़ बना लिया है। लेकिन केजरीवाल साहब का ये ड्रामा जो है पूरी तरह से फेल हो गया है। जब विक्रम दंता ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में दिख के गले में अपने गले में दंतानी जी ने भगवा गामछा और जुबान पर मोदी जी के जय जयकार के नारा लगाया, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया। अभी तो विक्रम ने केजरीवाल को खाने पे बुलाया था और अब मोदी जी के नारा लगा रहा है, तो सारे पत्रकार जो है विक्रम साहब के पास पहुंच गए और विक्रम जी ने साफ तौर पर कहा कि भैया हम तो मोदी जी की फैन है और हमेशा बीजेपी को ही वोट देते हैं, वो तो हमारा जो ऑटो चालक संघ है उनकी मेरे कुछ साथी लोग है उन्होंने कहा कि केजरीवाल को खाना खिलाओ तो हम मान गए। भाई अतिथि देवता होता है भारत में, चाहे कोई भी हो, हम तो किसी को भी रोटी खिलाना भारत में पुण्य समझते हैं और गुजरात का मिट्टी में तो अवसर ही होता है। बस केजरीवाल की सारे मुहिम की हवा निकल दिया विक्रम ने। केजरीवाल झूठों के सरताज है, दिल्ली में वो कट्टर ईमानदार होने का ढोंग करते हैं लेकिन उनके सभी नतीजे सहयोगी आपको पता है एक के बाद एक घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ जांच हो रहा है, कुछ मंत्री जेल में हैं, कुछ जेल जाने का कगार पर है। पंजाब में उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री को शराब पीकर टली होने की वजह से विदेश में बेइज्जत करके फ्लाइट से उतार दिया जाता है लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो झूठ की खेती करने में लगातार व्यस्त है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी ने वाराणसी में इलेक्शन लड़ने गए उस समय केजरीवाल भी बनारस पहुंच गए और उस तरह से बड़े बड़े दावा करना भी शुरू कर दिया लेकिन नतीजा क्या हुआ, उनकी जमानत जब्त होने का होती होती बच गई। उसके बाद 2019 में केजरीवाल ने बनारस जाने की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा, उनको पता चल गया कि बनारस में उनकी क्या हालत हो रहा। तो यही है आम आदमी पार्टी का हालत। गुजरात में केजरीवाल जो जीत के आज दावा कर रहे हैं ना उसकी हकीकत भी मैं आपको समझना चाहता हूं। गुजरात में जब भी चुनाव होता है तो जनता जो है ना उनकी नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का अपील को मानते हैं और जो मोदी जी कहते हैं उनको वोट देते हैं। ये आज से नहीं, कई दशकों से चला। ये लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकल इकाई का चुनाव हो, ऐसा नहीं है कि गुजरात में भाजपा का विरोधी नहीं है, है बहुत लोग है भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं लेकिन वो लेकिन उस विपक्षी वोट पर अभी तक कांग्रेस अकेली दबा करती थी क्योंकि कांग्रेस का जो है अच्छा खासा वोट परसेंटेज। अब क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंच गई जो कि गुजरात में मोदी और भाजपा विरोधी वोट में सनमारी कर दी, यानी इस बार चुनाव हुआ और जैसा कि केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि राज्य में उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा, तो ऐसे में सत्ता विरोधी वोट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा कांग्रेस और आम आदमी। अब इसका फायदा किसे होगा, जाहिर सी बात है जब ये दोनों लड़ेंगे तो भाजपा को ही फायदा होगा क्योंकि विपक्षी वोट दो भाग में अगर बंट गया, इतना सीधा सा गणित पूरा देश को समझे। लेकिन केजरीवाल और उनकी खरीदे हुए भोपू है ना वो शोर मचाते जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह का जो विश्लेषण देखने और देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाला दिन में हम ऐसे कई सारे झूठे का दावा करने वाले नेताओं को हम पोल पट्टी खोलने वाले हैं। देश को जनता को पता होना चाहिए कि नेता की असलियत क्या है। आज के लिए इतना।
उदय इंडिया चैनल से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल बटन पुश करना ना भूलिए। वंदे मातरम।